ये है इनलाइन स्केट्स और ये है ट्राई स्केट्स, दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। जो पांच मेजर डिफरेंस है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका स्केटिंग कोच इमरान खान, किंग ऑफ स्केट्स साहिल स्केटिंग कॉलेज से। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इनलाइन स्केट्स और ट्राई स्केट्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों की प्राइसिंग क्या है, दोनों की परफॉर्मेंस क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको जानना जरूरी होगा। आई होप इस लेसन के माध्यम से आप डिसाइड कर पाएंगे आपको कौन सा इनलाइन स्केट्स लेना चाहिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इनलाइन स्केट्स और ट्राई स्केट्स, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मेजर जो डिफरेंस है, मैं वो पांच पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जल्दी सीखा जा सकता है दोनों में से, जब आप सीखते हैं तो कौन सा जल्दी सीखा जा सकता है, दोनों की प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है, दोनों की साइज़ में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से स्टेप्स किस पे ज़्यादा होती है, कौन सा स्पीड के लिए कितना बेटर है। तो चलिए वन बाई वन हम बात करते हैं दोनों इनलाइन के बीच में कंपेरिजन। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा इनलाइन स्केट सबसे पहले सीखा जा सकता है। तो देखिए मैं बताता हूँ कि अगर आप पहली बार स्केटिंग पहन रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप इनलाइन स्केट पहन रहे हैं, पहले आपने कभी स्केट्स पहना ही नहीं, ना बेसिक ना रोलर ना हाइपर ना कोई सा भी स्केट नहीं पहना है, तो अगर आप ये वाला इनलाइन लेते हैं जो प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, आप इसमें नहीं सीख पाएंगे। और अगर आप ये लेते हैं तो ये बहुत ईजी रहेगा, इसमें इतना मुश्किल नहीं होता, आप इसको आराम से बैलेंसिंग कर लेंगे क्योंकि लॉन्ग शूज़ है, यहाँ से पूरा पैर इसमें फिक्स हो जाता है तो आपके घिरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें घिरने के चांसेस में 80% फ़र्क पड़ जाता है, इसको जब पहनते तो आप 80% गिरते हैं, इसको पहनते तो आप सिर्फ 20% ही गिरते हैं। तो सीखने की बात करें तो सीखने के लिए सबसे बेटर रहेगा ट्राई स्केट्स, और ये पॉइंट तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट सीखने के लिए आपको कौन सा लेना चाहिए। और अगर आप क्वाड बेसिक रोलर स्केट हाइपर स्केट सीख चुके हैं फिर अब अगर आप ये सीखते हैं तो ये भी इजी रहेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी बैलेंस बना चुके हैं आप, उसके बाद अगर आप इनलाइन स्केट सीखते हैं तो ये बेटर रहे, ये भी सीख सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन डायरेक्टली आप सीखते हैं इसको तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब हम बात करते हैं दोनों में से स्पीड किस में सबसे ज़्यादा मिलती है। तो देखिए वैसे इन दोनों में व्हील्स और बेयरिंग दोनों में सेम है, ठीक है, व्हील्स और बेयरिंग सेम है, स्पीड मिलती है व्हील्स और बेयरिंग के साथ। इसके अलावा स्पीड की बात करता हूँ तो इसमें ट्राई स्केट से ज़्यादा स्पीड मिलती है, रीज़न भी साथ का साथ बताता हूँ, क्योंकि ये पैर टखने के यहाँ से टाइट हो जाता है तो आपके पैर पूरे जो खुलते हैं पैर वो पूरे पैर खुलेंगे तो आपको स्पीड अच्छी मिलेगी, मतलब आपको जो पुश मिलेगा वो इस वाले इनलाइन स्केट्स पे ज़्यादा मिलेगा, स्पीड स्केट पर इसमें इतना पुश नहीं मिलता, इसमें आप एक लिमिटेड पैर ही खोल पाते हैं, आप पूरा पैर खोलेंगे तो उतनी हाई स्पीड नहीं मिलेगी। स्पीड के अकॉर्डिंग बात करें हम तो सबसे ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगी इसमें, ना कि ट्राई स्केट्स में। तो स्पीड के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट स्पीड ये इनलाइन स्केट्स हैं, ना कि ट्राई स्केट्स। अब हम बात करते हैं स्टेप्स पर, स्केटिंग में स्टेप्स, जैसे ऑन रोड आप चला रहे हैं, सडनली ब्रेक मारना है, टर्न करना है, जंप करना है, क्रॉस कटिंग करनी है, तो स्टेप्स के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो ऑब्वियसली स्टेप्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्राई स्केट्स है, क्योंकि जब भी आप चलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि सडनली आप जब फोर व्हील्स है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है तो आप जैसे टर्न करते हैं तो एकदम से टर्न नहीं होता, एकदम से पावर ब्रेक नहीं लगता, एकदम से पावर स्लाइड नहीं होता, तो बहुत सारी इफेक्ट मतलब प्रॉब्लम आती है इस वाले स्केट, ना कि इसमें तो इजीली सारी स्टेप्स हो जाती है, आप ब्रेकिंग कर ब्रेकिंग हो जाएगी, पावर ब्रेक, साइड वॉक, क्रॉस, ये और इसमें भी लिमिटेड स्टेप होती है, ना कि आप ये सोचते हैं कि मैं 50 या 100 स्टेप्स कर लूँ, तो नहीं, इसमें भी 15-20 स्टेप्स आराम से हो जाती है और वही काफ़ी होती है आप जब रोड पर या कहीं पर ऐसी जगह स्टेप्स करें जहाँ पर आपको थोड़ा शो ऑफ करना है, अपनी स्टेप्स दिखानी है, अपना स्किल दिखानी है, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट। स्पीड के लिए ये सबसे अच्छा है, स्टेप्स के लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक। अब हम बात करते हैं दोनों की लाइफ के बारे में, कौन सा ज़्यादा चलता है। अब हम ये वाला जो स्केट्स है ये कार्बन शूज़ है, 3 लेयर के साथ बहुत हार्ड शूज़ है, ठीक है, और ये प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन फिर भी बात करें तो लाइफ की व्हील्स तो देखिए जितना आप चलाएंगे उतनी जल्दी घिस जाएंगे। अगर मैंने इसको डेली 1 घंटा चलाया और किसी ने इसको आधा घंटा भी नहीं चलाया डेली तो मेरे स्केट्स ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, व्हील्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर शूज़ की या फ्रेम की बात करें तो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेम और शूज़ आते हैं, कितनी भी बार आप गिर जाएं इसके हल्के फुल्के स्क्रैच पड़ेंगे, ना कि टूटेगी कभी। इसमें क्या होता है कि आप सडनली किसी से टकरा गए कुछ तो ये प्लास्टिक टूट जाता है, बेल्ट टूट जाता है। तो लाइफ की बात करें तो लाइफ इसकी सबसे ज़्यादा है इनलाइन स्केट्स की। अब हम बात करते हैं
दोनों के बीच में जो जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि प्राइस प्राइस क्या है। ठीक है, प्राइस की बात करूँ तो मैं ये मेरे पास जो है इनलाइन, मैं इन दोनों की प्राइसिंग की बात करता हूँ। जैसे ये वाला इनलाइन स्केच है, इसकी 25,000 है प्राइस, मतलब 25,000 का ये इनलाइन स्केच है मेरे पास। कार्बन शूज, 110 mm व्हील्स एबिक बेरिंग के साथ, एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ। ठीक, ये है 12,000 का। ठीक, अब इसमें 110 mm है एबिक बेरिंग के साथ, और ये मुझे 12,000 का पड़ा। ये कार्बन शूज़ वगैरह नहीं है, ये सॉफ्ट शूज़ है, और फाइबर जो बाहर प्लास्टिक है, प्लास्टिक बॉडी दे रखी है इसकी, तो ठीक है अभी तक मेरे पास चल रही है, क्योंकि मैं मुझे आता है तरीके से चलाना, मैं बहुत कम गिरता हूँ इनलाइन पे, तो उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। अगर कोई नया यूज़र जो है जो चला रहा है इस इनलाइन को, तो और वो ज़्यादा गिर रहा है, तो अब तक तो ख़त्म कर रहा है। हमने एज ए स्टेप बाई स्टेप प्रैक्टिस की है, तो ये दोनों स्केट सही हैं, और आगे भी आपको आने वाले जो 200 लेसन भी हो जाएंगे तो ये आपको सही मिलेंगे, इतना डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉपर हमें नॉलेज है गिरना, हमारे हम कम गिरते हैं इसलिए। तो प्राइसिंग की बात करूँ तो ये है 25,000 का, ये है 12,000 का, मतलब जस्ट डबल प्राइस है इसकी। और उसमें भी देखिए प्राइसिंग में, अब एक और बात बता दूँ कि सर हमारा तो 15,000 का है और ये वाला 25,000 का, ये हमारा 12,000 का है, कई लोग ऐसे कमेंट्स भी करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ इसमें भी प्राइस वेरी करती है। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें सेरेमिक बेरिंग ले लिए, ठीक है, अब वो 7,000 के बेरिंग ले लिए, सडनली इसकी प्राइस 7,000 बढ़ गई है। इसमें फ्रेम मैंने हाई लेवल की या 4X ले ली, या 4X 3X दोनों मिक्स ले ली, तो उसकी प्राइस और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से प्राइस भी वेरी करती है। इसमें व्हील्स लोकल ले लिए, ना कि प्रोफेशनल ले, लोकल ले लिए, तो इसकी प्राइस 7,000 डाउन हो गई। इसमें एबिक बेरिंग की जगह स्विस सेरेमिक बेरिंग ले ली, तो इसकी प्राइस बढ़ गई, तो इस हिसाब से इसकी प्राइस ज़्यादा हो गई, इसकी कम हो गई। तो डिपेंड करता है आप किस पे जा रहे हैं, किस पे, लेकिन फिर भी एज अ प्रोफेशनल की बात करो, ये भी प्रोफेशनल है, ये भी प्रोफेशनल है, तो इसकी 25,000, इसकी 12,000। और दोस्तों, और मैंने जितनी मेजर बात है आपको बता दी है। अगर आपको ये इनमें से कोई सा प्रोफेशनल स्केच चाहिए, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा इसमें, इवनिंग में 7 to 9 के बीच में कॉल और व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, और एक लोगो दिख रहा होगा, उस पर लोगो पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक वीडियो दिख रही होगी, उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।